हाय गाइस, वी आर इन गोवा. आई एम सचिन जोशी. वेल, 3-4 साल पहले एक कैमरा आया 5D Mark III. सब लोग एक ही कैमरा से शूट करना चाहते हैं 5D Mark III, और मैं आई एम श्योर कि आप लोग भी शूट करते होंगे 5D Mark III से. मैं भी अभी तक 5D Mark III से शूट करता था, बट रिसेंटली बिकॉज ऑफ बहुत सारी लिमिटेशन है 5D Mark III में. ना उसमें पीकिंग है, ना आपको फोकस. जब आप वीडियो शूट कर रहे हो तो आपको जूम नहीं कर सकते हो फोकस चेक करने के लिए, या फिर जब लाइट कितना है ये जानने के लिए जिब्रास नहीं है, ना हिस्टोग्राम है. व्यू फाइंडर से देख के आप शूट नहीं कर सकते हो. तो शायद आप समझ रहे हो मैं क्या बात कर रहा हूँ या फिर किस तरफ बढ़ रहा हूँ. तो एनीवेज, अभी रिसेंटली कैमरा लॉन्च हुआ सोनी अल्फ़ा 7S. मैं उसी के बारे में बात करना चाहता हूँ, एंड दिस रिव्यू इज़ अबाउट सोनी अल्फ़ा 7S. Well, Sony Alpha 7S is a recent camera from Sony, mirrorless cameras, जिसका ये फुल फ्रेम कैमरा है. जैसा 5D Mark III है वैसे ये फुल फ्रेम कैमरा है, और इट्स छोटा सा बॉडी है. अब मैंने इसमें 16-35 लेंस लगाया, बट अगर आप देखो इट्स अ वेरी स्मॉल बॉडी, राइट. अब इसको अगर आप बाहर मार्केट में शूट करोगे तो मे बी पीपल विल थिंक इट्स अ पॉइंट एंड शूट कैमरा, बट इट्स अ वेरी पावरफुल कैमरा इंडीड. ये कैमरा अभी विदाउट द रिकॉर्डर कैन रिकॉर्ड इनटू फुल एचडी 60p, 60 फ्रेम्स पर सेकंड में फुल एचडी में रिकॉर्ड करता है. और अगर 720p में आप जाओगे तो 120 फ्रेम्स तक रिकॉर्ड कर सकता है. 720 में 120 में आप फ्रेम्स पे आपको हल्का सा क्रॉप मिलेगा, बट स्टिल इट कैन शूट 120 फ्रेम्स पर सेकंड. सो दैट्स अ ह्यूज थिंग. लाइक कैनन में हम लोग करते थे शूट तो 60 फ्रेम्स पे अगर करना है, NTSC में लेके जाओ, देन आपको 60 फ्रेम्स मिलेगा, आपको स्लो मोशन मिलेगा. अच्छा, बट अगर आपको फुल एचडी अगर शूट करना है तो देयर वाज नो ऑप्शन. हमको 720 में जाना ही पड़ेगा, बिकॉज फुल एचडी में 24p और 30p के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था 5D Mark III. इस कैमरा में वो ऑप्शन है कि आप 60 फ्रेम्स पर सेकेंड में शूट कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम इट, इसमें आप देख रहे हो कि टिल्टिंग स्क्रीन है, जिससे आपको अगर बहुत, ये एक चीज़ है जो मैं 5D Mark III में बहुत मिस करता हूँ, कि अगर मेरे को लो एंगल लेना है, हमेशा जब शूट करता हूँ लो एंगल शूट करना है तो आई डोंट हैव ऑप्शन कि मेरे को सो जाना पड़ता है, ज़मीन पे सो जाना पड़ता है, या फिर बहुत नीचे देखो. और कभी कहीं बहुत सारी जगह पे हम लोग जब बीच पे शूट कर रहे हैं, जब जहाँ पे पूरा वाटर है, सैंड है, तो इस कैमरा से मैं कर सकता हूँ कि सिंपल एक थर्माकोल रख दिया और आई कैन ईजीली ऊपर से देख के शूट कर सकता हूँ. इट्स अ नाइस स्क्रीन. अनदर थिंग जो एक कैमरा की मुझे अच्छी लगी वो ये है कि आप डायरेक्टली व्यू फाइंडर में देख के वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, विच इज़ अ ह्यूज थिंग, क्योंकि ये सब कैनन में कभी नहीं था. और उसके लिए हम लोग लूप्स यूज़ करते थे धूप में वगैरह, बट लूप्स इतने, आपको पता कितने अच्छे होते हैं, जिस रेंज में मिलते हैं इंडिया में इतने अच्छे नहीं होते. तो वो सारी चीज़ें. प्लस जैसे अभी मैंने, आप देख रहे होंगे कैनन की लेंस लगाई है. नेटिवली इस कैमरा में ई माउंट लेंस लगती है. दिस इज़ द सेंसर, और ये दिस इज़ अ माउंट विच इज़ अ ई माउंट, और जिसके लिए ये 24-70 जैस का लेंस है. इस तरह से और दो लेंसेज इसमें आई हुई है, विच इज़ लाइक 35 2.8 और 55 1.8. दिज आर द टू लेंसेज विच आर उसमें जब नई आई है. उसके अलावा अभी तक इस सीरीज़ के लिए और कोई लेंस नहीं है, बट अगर आप इसका अडाप्टर ले लोगे, जैसे आपको सोनी से कैनन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि कैनन की लेंस हमारे पास सबके पास है और इजीली रेंट पे भी मिल जाती है, तो बहुत सारे अडाप्टर्स है इसके लिए. मेटाबोन्स ने एक अच्छा अडाप्टर निकाला है, और ये एक फोटोडॉक्स प्रो करके एक अडाप्टर है, विच इज़ लाइक 9,000 रुपीज़ इंडियन रुपीज़, बट आई बॉट इट ऑन amazon.com, सो आई गॉट इट फॉर 9,000. तो दिस इज़ अ नाइस अडाप्टर, क्योंकि इसमें आपको आयरिश कंट्रोल मिलता है, ऑटो फोकस मिलता है थोड़े एल सीरीज़ लेंसेस में. बाकी जैसे ये 1.8 है पुराना 50mm, इस पर शायद पुराना मोटर है, इसमें शायद आपको ऑटो फोकस नहीं मिलेगा इतना अच्छा, बट आपको एटलीस्ट अपर्चर कंट्रोल मिल जाएगा, जो कि मैनुअल अडाप्टर में नहीं पॉसिबल है. अपार्ट फ्रॉम इट, ये अडाप्टर लगाने के बाद भी इसका साइज़ इतना नहीं है कि आप इसको इजीली कैरी ना कर सको. विथ 16-35 दिस इज़ द फॉर्म फैक्टर वी आर लुकिंग एट. एनीवेज, और बाकी चीज़ें मैं जैसे बोलना चाहता हूँ कि Mark III में जैसे 8-bit था फुटेज, और 4:20 कलर स्पेस है. इसमें भी वही है, इसमें कोई अलग चीज़ नहीं है, इसमें भी 4:20 ही है और 8-bit फुटेज ही आउटपुट दे रहा है. तो फिर डिफरेंस क्या है? अगर आप पोस्ट में लेके जाते हैं फुटेज अपना, तो इसमें इसके कैमरा के फुटेज में और उस कैमरा में फुटेज का फ़र्क क्या है? फर्स्टली सोनी कलर्स थोड़े डिफरेंट है, आई डोंट स्पेसिफिकली लाइक इट, बट ठीक है, आई लाइक कैनन मोर, बट स्टिल कलर्स अलग है, शार्पनेस इज़ वेरी गुड, इसका जो एच डी है फुल एच डी है, दैट्स द बेस्ट एच डी एवर लाइक इस फॉर्म फैक्टर में. अपार्ट फ्रॉम इट इसमें 14 स्टॉप्स ऑफ डायनेमिक रेंज है, विच इज़ लाइक, जैसे अगर आप डायनेमिक रेंज क्या होता है, एक अगर आप चार्ट्स पे देखोगे तो ब्लैक से वाइट में अगर जा रहे हो और एक्सपोजर बढ़ाते जाओगे तो कितना एक कैमरा कितना कोप कर सकता है, कितने ISO सेंसिटिविटी तक एक चार्ट को रीड कर सकता है, मतलब. तो दैट इज़ समथिंग जो डायनेमिक रेंज है. आप शेडोज़ और लाइट में कितना आपको, जैसे अगर एक शॉट है, जैसे एक बंदा दरवाजे में खड़ा है, अंदर अंधेरा है, बाहर उजाला है, अगर उसको शूट कर रहे हैं हम लोग तो बंदा तो पूरा सिलवेट में आ जाएगा, लेकिन अगर 5D से शूट करें तो बंदा पूरा ही सिलवेट में आ जाएगा और बाहर का थोड़ा सा एक्सपोज कर सकते हैं. बट अगर हमको बंदे को थोड़ा एक्सपोज करना है और बाहर का भी चाहिए हमको, तो वो कभी पॉसिबल ही नहीं था, बाहर का बर्न आउट हो जाएगा. लेकिन बिकॉज इसमें 14 डायनेमिक रेंज है, 14 स्टॉप्स ऑफ डायनेमिक रेंज है, इसलिए हमको अच्छे डिटेल्स उसमें से हम ले सकते हैं और हमको शेडो में भी डिटेल्स मिलेंगे. इसके अलावा इसमें एक चीज़ और है जो कि सोनी का फ्लैगशिप लॉग है, विच इज़ लाइक S-Log2. तो पहले जैसे PMW F3 कैमरा निकला था, उसमें आपको 50,000 रुपये देने पड़ते थे अलग से S-Log2 लाने के लिए, इसमें वो इनबिल्ट है, S-Log2 है. द प्रॉब्लम विथ S-Log2 इज़ उसका जो नेटिव ISO है दैट इज़ 3200 ISO, तो अगर 3200 ISO पे आपको शूट करना पड़ेगा. अगर आपको धूप में शूट करना है तो यू कैन इमेजिन आपको कितने ND फिल्टर्स लगेंगे, बट स्टिल अगर ND फिल्टर्स के साथ अगर आप शूट कर लोगे तो यू विल गेट अ फंटास्टिक रिजल्ट्स. मैंने कुछ कल ही रिसेंटली कुछ फुटेज शूट किए हैं, तो आई विल शो इट टू यू गाइज लेटर ऑन. अपार्ट आफ्टर दैट आई जस्ट वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट की, जस्ट अ मोमेंट, आई मेड सम नोट्स फॉर दिस क्योंकि भूल जाऊँगा. जैसे S-Log2 है, तो S-Log2 को जो ये S-Log2 इज़ लाइक एक बहुत ही फ्लैट प्रोफाइल है, जैसे 5D Mark III में हम लोग यूज़ करते हैं टेक्निकलर का सिने स्टाइल, उसी से जैसे 5D Mark III का अगर 9 डायनेमिक रेंज है तो उससे थोड़ा सा बढ़ जाएगा और हमको एक फ्लैट इमेज मिलेगी, जिससे हम लोग शेडोज़ और हाईलाइट्स में डिटेल मेंटेन कर सकते हैं. उसी तरह से इसमें S-Log2 है, जिससे हम शेडोज़ और हाईलाइट्स में 14 स्टॉप्स का डायनेमिक रेंज हम अचीव कर सकते हैं. और द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कैमरा जो अभी तक मैंने बोला है, दिस इज़ अल्फ़ा 7S, सो S स्टैंड्स फॉर सेंसिटिविटी. तो ये कैमरा लिटरली अंधेरे में देख सकता है. ऑफ कोर्स हमको उतना उस ISO पे शूट करने की ज़रूरत पड़ेगी ऐसा ज़रूरी नहीं, बट बहुत सारे दोस्त जो है हमारे वेडिंग्स करते हैं, इवेंट्स करते हैं, जहाँ पे लाइटिंग बहुत हार्श होती है और हमारा कंट्रोल नहीं होता लाइटिंग के ऊपर, और जब बहुत लो लाइट है एंड वी नीड टू गेट द शॉट, तो उस वक्त क्या करें? तो हम लोग आराम से 40,000-50,000 ISO पे शूट करके वी कैन ईजीली गेट अवे विद द फुटेज. हम यूज़ कर सकते हैं उस फुटेज को. मार्केट नेट पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, जैसे नीट वीडियो, रेड जायंट का एक सॉफ्टवेयर है, डीनॉइजर, यू कैन यूज़ दैट ऑल्सो. तो उससे नॉइज़ हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं एंड 40,000-50,000 ISO पे वी कैन गेट a usable footage, so that's a huge thing for us. Apart from it, how is it working? जैसे क्या डिफरेंस है काम करने में, अगर फिल्म में काम कर रहे हो या फिर इवेंट में काम कर रहे हो, तो हाउ दिस कैमरा विल परफॉर्म? फर्स्टली एक तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको शायद इस कैमरा से परमिशंस का ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि इट्स अ वेरी स्मॉल कैमरा. फिल्म्स में इवन वेडिंग्स या फिर इवेंट्स में तो ठीक है, हमको परमिशन का ज़रूरत नहीं है, बट फिल्म्स में मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि हम लोग इंडी फिल्म बना रहे हैं, 2 लोग मिलकर एक शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं, तो उसमें हमको परमिशंस का ज़रूरत पड़ता है. तो शायद इस कैमरा से आप, इवन मैंने एयरपोर्ट पे भी शूट किया है इंटरव्यू विदाउट एनी परमिशन, सो आई होप एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ डोंट लिसन टू दिस, बट स्टिल आई मैनेज टू डू दैट. अपार्ट फ्रॉम इट इसका वर्क फ्लो अच्छा है. आप थोड़ा अगर कलर ग्रेडिंग जानते हो तो अच्छे से कलर ग्रेड करके आप यू कैन यूज़ द फुटेज वाइजली. सो या दैट्स इट प्रीटी मच. अपार्ट फ्रॉम अगर आप एनीथिंग यू वांट टू आस्क मी, सो जस्ट कमेंट. एंड दिस इज सचिन जोशी साइनिंग ऑफ. थैंक यू सो मच.